ये है कि आपका जो ईयर वे है वो रिपीटेडली ब्लॉक हो जाता है और आप ब्रीदिंग स्टॉप कर देते हैं, यानी आप सांस लेना भूल जाते हैं। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, जब ऐसा होता है तो आपको गोता लगता है या आप बहुत जोर से हराटे लेते हैं, और जब आप उठते हैं तो आपकी बॉडी और ब्रेन में ऑक्सीजन डिफिशेंसी होती है। ये बहुत सीवियर डिसऑर्डर है और ये बहुत कॉमन भी है। पेशेंट्स के अंदर जो जो जिनको स्लीप एपनिया का मसला है, उनका जो अपर एयरवे मसल्स हैं, हमारे पास अपर और लोअर एयरवे मसल्स होते हैं, उसमें जो अपर है, यानी जो सॉफ्ट टिश्यूज है हमारे थ्रॉट के अंदर, वो टेम्प्रेरी रिलैक्स कर जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लैरिंग्स के मसल्स वो नैरो हो जाते हैं और वो टेंड टू कोलैप्स फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग स्लीप, यानी वो टेम्प्रेरीली कोलैप्स कर गए। अब जब वो रिलैक्स होकर कोलैप्स कर गए तो इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं रहा, और इसकी वजह से हमारा लोअर ऑक्सीजन लेवल जो है ब्रीदिंग स्टॉप कर देता है। मतलब अब जब वो कोलैप्स कर गए तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन नहीं क्या लेंगे, ऑक्सीजन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, तो जाहिर है कि जो ब्रीदिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी, तो इट मींस के जो बंदा है वो सांस नहीं ले पाता। कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्लीप एपनिया में ये आ रहा है कि यू वेक अप ड्यूरिंग द नाइट विद अ ड्राई और अ सोर थ्रॉट, यू स्नोर लाउडली, यू वेक अप फ्रॉम टाइम टू टाइम चोकिंग, यू फील एक्सट्रीमली स्लीपी ड्यूरिंग द डे, यू लैक एनर्जी इन जनरल, यू सफर फ्रॉम हेडेक्स एंड यू फील टायर्ड एंड इरिटेबल। What causes sleep apnea? In adults, more common cause of obstructive sleep apnea, यानी obstruction इस सेंस में कि मैंने पीछे बात किया है कि आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मसल्स हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर जाते हैं, रिलैक्स करके वो कलेप्स कर जाते हैं, कलेप्स कर जाते हैं तो एयर वे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, जब एयर वे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता तो पेशेंट के लिए ब्रीदिंग करना पॉसिबल नहीं होता, तो अल्टीमेटली वो सांस रुक जाता है। आसान अल्फाज में कहते हैं कि सांस लेना भूल जाता है। अच्छा, अब कॉमन कॉज में आ सकता है एक्सेसिव वेट और ओबेसिटी और सॉफ्ट जो कि एसोसिएटेड है माउथ एंड थ्रॉट के साथ, जब थ्रॉट और टंग के मसल ज्यादा रिलैक्स हो जाए तो एयर वे जो है वो ब्लॉक हो जाता है। एक्सेसिव बॉडी वेट जो है वो मजीद स्लीप एपनिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो अपर एयर वेज है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, जब उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है ड्यू टू द ओबेसिटी, तो उसके क्लैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। जब क्लैप्स होने के चांसेस ज्यादा है, और इसके अलावा दूसरी बात ये कि हमारे पास जितना उसके ऊपर फैट की लेयर होगी ना, उतना उसका न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल कम होगा। ठीक है, एक तो प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल भी कम है, तो अल्टीमेटली स्लीप एपनिया होने के ज्यादा चांसेस है। और इसके अलावा ये भी है कि फैटी डिपॉजिट जो है वो लंग वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं और ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं पेशेंट के लिए सांस लेना। कॉमन थेरेपीज जो ट्रीटमेंट हमारे पास स्लीप एपनिया के अंदर आ रहा है वो है कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, कि एक ऐसी मशीन जो कि पेशेंट को रात को सोने से पहले लगाई जाती है और ये एयरवेज को ओपन रखती है। जब एयरवेज ओपन रहेंगे तो आपका जो सांस का जो सारा पैसेज है या जो एक्सचेंज है वो मेंटेन रहेगा, जब वो मेंटेन रहेगा तो पेशेंट को स्लीप एपनिया का इशू नहीं आएगा, और ये क्वालिटी स्लीप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर एयर प्रेशर जो है वो एयरवेज को ओपन रखता है, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को, जिसको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, उसको ट्रीट करने का यूज हो रहा है। ये जो मशीन है ये मास्क के साथ कनेक्ट होती है विद अ होज, और एयर प्रेशर जो है, इससे जो एयर प्रेशर जा रहा है हमारे मुंह के अंदर वो एयरवेज को कलेप्सिंग से प्रिवेंट कर रहा है, और इस तरह जो पेशेंट है वो सुकून से सो सकता है, उसके जो एयरवेज है वो ब्लॉक नहीं होंगे। और इसको आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने नैप लेना हो। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपको थकावट नहीं रहेगी, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम होंगे, और डे टाइम में आपको नींद नहीं आएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और मूड इम्प्रूव रहेगा। डेफिनेटली अगर आपकी नींद पूरी है तो आप फ्रेश रहेंगे। और इसके 50 और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मेमोरी वगैरह, क्योंकि मेमोरी इस तरह से कि जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रिकॉलिंग, मतलब सब मेमोरी जो है वो स्टोर करता है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही काफी दिनों से तो आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है। वो लोग जो ठीक तरह से नींद पूरी नहीं करते, उनकी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी वगैरह बहुत अफेक्ट होती है। ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप एपनिया के अंदर आ रहा है कि वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्योंकि मेन कॉज इसका ओबेसिटी और ओबेसिटी आ रहा है, यानी एक्सेसिव वेट गेन। अब लूजिंग वेट में हेल्प टू इम्प्रूव एलिमिनेट योर सिम्टम्स इफ यू आर ओबेस और ओवरवेट। और पोजिशनल थेरेपी आ रही है, पोजिशनल थेरेपी के अंदर ये है कि जो पर्सन है वो एक साइड पे सो रहा है। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं उनको ये कहा जाता है कि वो साइड पे सो, यानी पोजिशनल थेरेपी यूज करें, और ये ऐसा डिवाइस है जो कि आपको एक ही साइड पे सोने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी ये वाली पोजिशन मेंटेन है, क्योंकि अगर पेशेंट सीधा सोएगा तो उसके जो एयर वे क्लैप्स करने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। So that was all about today's lecture. I have explained sleep apnea and its treatment. Moreover, I have explained
insomnia and its treatment. I hope the causes and everything is being clear to you and nothing.